अज्ञानतिं रामधश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावतन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबंधु जगत्पते गोपेश विजयकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि प्रिये वृंदाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवदादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वथा मेरे गुरु पाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सर्वजन श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी का ये उपदेशा मृत ग्रंथ है। किसने श्री प्रभुपाद जी को प्रश्न किया? किसने श्रीला प्रभुपाद को प्रश्न किया? श्री कृष्ण संकीर्तन की सकले अधिकार आचे कद भगवान का कीर्तन करने के लिए सभी का क्या अधिकार है? सभी क्या भगवान का नाम कीर्तन कर सकते हैं? तो प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं, निश्चय ही निश्चित रूप में भगवान का नाम करने में सभी का अधिकार है। क्योंकि चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, जय भजे सही बड़ा अभक्त ही निचार कृष्ण भजने नहीं जाती कुलादि विचार। इसलिए भगवान के भजन में जात कुल का कोई विचार नहीं। जय भजे सही बड़ा, जो भजन करता है वही बड़ा है। बोले अभक्त ही निचार, जो भजन नहीं करता है वो हीन है, वो छार है, तुच्छ है। इसलिए जात पात पूछना कोई हरि का भजा सो हरि का हो। तो प्रभुपाद यहाँ कहते हैं, श्री हरि नाम ओ भगवान श्री हरि दुईटी प्रत्युक वस्तु नहीं एकटी मात्र वस्तु। जब भगवान कृष्ण और भगवान हरि नाम हरि नाम एवं हरि कहते, इसमें कोई फर्क नहीं, वो एक ही वस्तु है, दो कोई पृथक वस्तु नहीं। कहते नाम और नामी अभिन्न, भगवान का नाम और भगवान कृष्ण स्वयं, ये दोनों में कोई
फर्क नहीं, वो एक ही वस्तु है। इसलिए पहले हम एक स्टोरी सुनाया था, क्या है, एक समय श्री नारद जी अपना पिता ब्रह्मा जी को पास में गए, बोले हम सुनते हैं भगवान और भगवान का नाम में कोई फर्क नहीं। ब्रह्मा जी बोले हाँ, कोई प्रैक्टिकल रूप में मेरे को दिखा सकते हो, प्रैक्टिकल रूप में मेरे को प्रमाण करके दिखा। जो भगवान का नाम की तो अनंत महिमा, मेरे तो चार ही मुँह है, मैं अनादिकाल से चार ही मुँह से भगवान का नाम जप करता हूँ, अभी भी भगवान का नाम की कोई मैं खा नहीं पाया, मैं क्या बताऊँगा। तुम श्री शंकर जी को पास में जाओ, क्योंकि शंकर जी वैष्णवा नाम यथा वैष्णव में सर्व अग्रगण्य, और जो हर समय पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरा, तो पंचमुख में भगवान का नाम जब करते आप भोले बाबा के पास में जाते। तब वो भोले बाबा के पास में गए, तब उन्होंने एक ही प्रश्न किया मेरे को, कोई एकदम प्रैक्टिकल रूप में कोई प्रमाणित करके दिखाओ भगवान और उनका भगवान का नाम में कोई फर्क नहीं। शंकर जी बोले भैया मैं भी तो भगवान का नाम अनादिकाल से कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक भी नाम की कोई महिमा खा नहीं पाया, मैं क्या बताऊँ। बोले कौन बता सकते हैं, बोले जाओ मेरे गुरु जी को पास में जाओ, आनंद देव के पास में जाओ, वो बताएंगे। क्योंकि अनंत देव अनंत मुख से अनादिकाल से अनंत भगवान का नाम की भगवान की गुण की महिमा को गाते रहते हैं, वही बताएंगे। तब श्री अनंत जी को पास में गए, तब उन्होंने वहाँ पर एक ही प्रश्न किया, आप कृपा करके बताओ भगवान का नाम और भगवान के फर्क नहीं, मेरे कोई डायरेक्ट कोई प्रमाण कर देते हैं। भैया मैं तो अनादिकाल से अनंत मुझ का नाम कर रहा हूँ, अभी भी भगवान के नाम को कोई खा नहीं पाया महिमा। बोले कौन बता सकता है, बोले जाओ धर्मराजा के पास। धर्मराजा क्यों कहते हैं, कहते क्योंकि तराजू में नाप करके ना, जो जैसे कर्म करता है वो कर्म के अनुरूप ठीक वैसे फल देता है, इसलिए उनका नाम धर्मराज। कहते हम लोगों का कर्म अलग अलग, कर्म अलग अलग होना ग्रह, सभी का नेचर अलग, किसको नेचर से किसका नेचर मिलता नहीं, किसका चेहरा से भी किसका चेहरा नहीं मिलता। पृथ्वी में कितना लोग हो देना, एक चेहरा से दूसरे चेहरा का चेहरा एकदम नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ फर्क होगा ही, क्योंकि हमारा कर्म अलग अलग है। इसलिए वो धर्मराज है, इसलिए वो विचार करके बता सकता है। जब धर्मराजा जी के पास में गए तो उन्होंने प्रश्न लिखा, भगवान भगवान नाम में कोई फर्क नहीं, मेरे कोई प्रैक्टिकल रूप में दिखाओ। बोले एक काम करो, तुम दक्षिणी दरवाजा में चले जाओ, वहाँ चार दरवाजा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कि जो दक्षिणी दरवाजा है कहते वहाँ 84 नरक है, जीव अपना अपना कर्म के अनुरूप वहाँ फल हो करके तुम वहीं पर जाओ। वहाँ पर जाकर जब देखा जीव कैसे जो शराब पीते हैं उसको मुँह में लोहे को गर्म करके उसको मुँह में डाल रहे, जो इन्हीं हाथ में तराज में हेर करे करके उसको हाथ काट रहे, जो इन्हीं आँखों से उल्टा पुल्टा चीज देखते हैं उनका आँख निकाल रहे थे, जो माँस मछली को खाते हैं उनको सच उसको उसको भी करते, जो काटते हैं उनको भी काट रहे थे, और उनको भी एकदम तेल में जैसे पकौड़ा जैसे छोंकते कैसे छोंक रहे थे, वो लोग को चित्कार कर रहे थे बचाओ और नहीं करेंगे हमें, बचाओ और नहीं करेंगे सब। इतने में फिर नारद जब गए और नारद में से झांके हैं ना, उन सब कैसे चित्कार कर रहे थे बचाओ, इतने में से नारद जी को देखा, नारद जी को देखते ही नारद तो देख करके डर गए और उन्होंने जोर से उन्होंने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हिताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे। जब उन्होंने भगवान का नाम लिया, भगवान का नाम जब उन सब पापियों को कान में पड़ा, पढ़ते ही जितने पापी थे सब के सब उद्धार होकर के भगवान का धाम चले गए। जब महाराज जी कहते देख लिया प्रमाण मिला कि नहीं, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं, भगवान का नाम को बोले कान में पड़ते ही सबके सब मुक्त होकर के भगवत धाम चले गए। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं
भगवान और उनका नाम में कोई भेद हर्ग नहीं, बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम नाम। क्योंकि भगवान कितने जीव को उद्धार किया, जिस समय भगवान कृष्ण आए उसी समय जितने जीव आए प्रभु का दर्शन करते हुए उनका ही केवल कल्याण हुआ है, बल्कि अक्सर करके भगवान को साथ में जो लोग आते हैं उनका परिकर लोग जाते हैं और साधारण लोग नहीं आते, परिकर लोग आते हैं। इसलिए भगवान अपना परिकरों को लाए, उनको साथ में लीला की, लीला करके भगवान जगत से छोड़ करके चले गए। लेकिन अगर जीव का कोई कल्याण कर रहा है, कौन कल्याण कर रहा है, उनका नाम, उनको नाम ही कल्याण करता है। बस कृष्ण संकीर्तन सकल रही अधिकार अच्छे, कृष्ण कीर्तन में सभी का अधिकार है। कृष्ण जमन सर्वशक्ति आचे नाम हो तद्रुप सर्वशक्ति आचे, जैसे भगवान कृष्ण में जैसे वो सर्वशक्तिमान थोड़ा ऐश्वर्य समग्र सस्य ऐश्वर्य से वीर्य से जस से श्रेय ज्ञान वैराग्य सेव शरणं भ्रम इतिंगन, जैसे भगवान के अंदर में ये छह ऐश्वर्य परिपूर्ण रूप में विद्यमान है, क्योंकि उनका नाम भी सारे ऐश्वर्य विद्यमान। कहते पुरुष हरि भजन करवे स्त्री करते पारवे ना, कोई कहते ना केवल पुरुष लोग ही हरि भजन कर सकते, स्त्री नहीं कर सकते, लेकिन गीता में क्या कहते हैं, बोलो गीता का श्लोक क्या है, हाँ स्त्रिय शुद्ध तथा वैस माही पार्थ गापाश्रित जे अपि शिवपाप जुने स्त्रिय वैस तथा शूद्र स्ते अपि जाति परामगत। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो व्यक्ति मेरे को आश्रय ग्रहण करते हैं, हैं बोले स्त्री शूद्र हैं ये सब के सब पाप जोनि होने पर भी स्त्री वैस तथा शूद्र स्ते अपि जाति पराम गति, स्त्री वैश्य शूद्र कोई भी अगर भगवान का चरणों को आश्रय ग्रहण कर तो उनको परागति की उनको भी प्राप्त होता है। इसलिए भगवान कहते श्री कृष्ण भजने सभ्य अधिकारी जाति कुलर विचार नाय, इसलिए श्री प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं एमान की करे वरण कुल जय को लेके न जनम नहाय केवल भक्ति मूल। इसलिए श्री प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं कि मन की करे वर्ण फूल, मतलब तुमने ये फूल को कैसे वर्ण कर लिया, मतलब हम श्रेष्ठ जाति में हैं, हम उच्च कुल में जन्म ग्रहण किया, हम ये भजन कर सकते, बल्कि तुमने ये जात को कैसे तुमने वर्ण कर लिया, बोले जय कुले का ना जन्म ना है केवल भक्ति मूल, किस कुले में जन्म क्यों नहीं हो, मूल है भगवान की भक्ति। उदाहरण क्या देते हैं, कपिले कपि कुले धन्य वीर हनुमान राम भक्त राज राक्षस राक्षस हैया विभीषण वैसे ईश्वर सभार मार। इसलिए कहते हैं हनुमान जी बंदर कुल में जन्म ली, हनुमान खुद कहता है सवेरे उठ करके मेरा कोई नाम मुँह देख लेना दिन भर की भोजन नहीं हो, लेकिन राम की भजन करने का वजह से देखो हनुमान की सब जय जय का विभीषण, कहते ये राक्षस कुल में जन्म हुए, लेकिन जब भगवान राम दरबार लगता है जय जिस जितने उच्च आसन पर भगवान राम भी बैठते हैं उतने आसन पर विभीषण भी बैठता है और सुग्रीव भी बैठता है, गुहो का चंडाल भी बैठता है, हैं कारण क्या है, बोले भगवान की भजन किया, भगवान की भक्ति को आश्रय किया। इसलिए स्त्री हो स्त्रियों में देखो गोकुले गो पेर नारी देखना केमना साधन करी लो गोकुले गो पेर नारी, फिर कोई बोले जो गोकुल है वो छोटे कुल है, गोकुल हम उड़िया में भजन है ना गौड़ गौड़ जाति अधर्म जाति, इसलिए वो अधर्म जाति गौड़ है गौड़ जाति, लेकिन देखो 19 जाति में गोपियों ने भजन भजन जन्म लिया है, गोपियाँ जैसे भक्त के जगत में कोई हो सकता है, उद्धव जैसे व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्त
ज्ञानी भक्त प्रेमी भक्त प्रेमापर प्रेमातुर प्रेमातुर हैं शुद्ध भक्त इसलिए सर्वश्रेष्ठ भक्त उद्धव है। उसको ऊपर में और भक्त का कोई नाम ही नहीं, इतने बड़े भक्त उद्धव। लेकिन ऐसे उद्धव जैसे व्यक्ति भी जिनकी चरण की धूल को उद्धव जैसे व्यक्ति वंदना करते हैं, उनके चरण की पूजा करते उद्धव जैसे व्यक्ति। इसलिए कहते स्त्री एक होने पर क्या भजन नहीं कर सकता, तो गोपिया इनसे बड़े भक्तों को होगा हो ही नहीं सकता, इनसे कोई बड़ा भक्त है। इसलिए कहते स्त्री सुस्त व्यक्ति हरिभजन करे, रुग्ण व्यक्ति करते पारे ना है, कोई बोले जिसका शरीर सुस्त है ना वही भजन कर सकता है, लेकिन जो रोगी व्यक्ति है वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है, ऐसे बात नहीं। जार गाय खूब जोर ना है, से भजन करते पारे ना, ए रूप विचार नाम संकीर्तन नहीं। जिसका शरीर जो व्यक्ति कमजोर है, हैं बोलिए कमजोर से क्या करोगे हैं, तो कमजोर व्यक्ति, लेकिन कमजोर व्यक्ति क्या भजन नहीं कर सकता है, बोले जरूर कर सकता है कमजोर व्यक्ति। ए रूप विचार नाम संकीर्तन नाई, कहते ऐसे जो विचार है भगवान का नाम संकीर्तन में नहीं। कहते वो बालक हमें वृद्ध होए और संगे हरि कीर्तन करवो ना है, कहते वो बालक है, कहते हम तो बूढ़े हैं तो उसको साथ में हम कीर्तन कैसे करेंगे हैं, हमें पंडित वो व्यक्ति मूर्ख है उसको साथ में हरि कीर्तन कैसे करवो हैं। अगर कोई बोले मैं कुलीन हूँ वो नीचे जाती है उसको साथ में हम कीर्तन कैसे करेंगे। ए रूप मनोधर्म ओ देह धर्म विचार आत्मधर्म संकीर्तने नाई, ये ऐसे जो विचार है भगवान की जो आत्मधर्म हरिनाम का कीर्तन ये आत्मधर्म है, इसलिए आत्मधर्म में ये विचार नहीं। छोटे मोटे ताकतवान बलवान उच्च जाति नीचे जाति कोई विचार नहीं है, इसलिए और विशेष करके कलयुग में तो विचार है ही नहीं। कलयुग में दूसरे युग में थोड़ी इधर उधर था, तो कलयुग में कभी चंडाले ब्राह्मणी करे तुला को दी कभी बाछी लाए रंग, पहले क्या होता था जो ब्राह्मण लोग है ना चंडाल लोग का छाया तो भी स्पर्श नहीं कर सकते, उनको सामने जूता पहन करके जाना कठिन था। जो बड़े लोग होते थे ना उनके सामने कोई घड़ी पहन कर चले जाएगा, उनको सामने कोई जूता पहन कर चले जा नहीं सकते थे, बिहार में बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी देखो जो भगवान के भजन में आ गए जो भक्ति में आ गए, अभी चंडाल ब्राह्मण दोनों मिल करके अभी देखो जो विदेशी लोग हैं और जो साधारण लोग देखो सब लोग एक साथ मिल करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके सब एक साथ मिल करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, सबके सब हरि कीर्तन कर रहे हैं। इसलिए ये सब चीज जो मोटे पतले छोटे जाति किसका धर्म, मतलब ये शरीर का धर्म है, ये आत्मधर्म नहीं। आत्मधर्म क्या है, जीव रे स्वरूप है कृष्ण है, जीव का जो असली स्वरूप है हम सब के सब भगवान के नित्य दास है। कद मलमूत्र त्याग काले अथवा पाप युक्त हृदय हरिनाम करते पार्वना, एरूप विचार वो कृष्ण कीर्तने ना। जब हम मलमूत्र त्याग करते हैं कोई बुलारी तो अपवित्र समय है, इसी समय में हम भगवान का नाम कैसे कर सकते हैं हैं, कैसे नाम कर सकते हैं। कहते ऐसे विचार भगवान भजन में नहीं, इसलिए इसके लिए उदाहरण देते हैं श्री अजामिल, वहाँ पर खूब सुंदर एक श्लोक आता है। कहते अजामिल किस समय हरिनाम लिया, तो जिस समय एकदम अंतिम सज्जा में लेटा हुआ था, जमदूत उसको लेने के लिए आए, गले में काल फांस को लगा दिया, लगा करके उसको जो खींचते हुए ले जा रहे थे हैं, उसको खींच करके जब ले उसी समय में वो मलमूत्र को त्याग कर रहा था, मलमूत्र त्याग कर रहा था उसी समय में उन्होंने भगवान का नाम लिया। बोले किसका नाम लिया, भगवान का नाम नहीं लिया, किसका बुलाया, अपना बेटे को बुलाया उसने। बोले सुस्त मस्तिष्क में नहीं लिया, जैसे एक जगह पर बैठ करके सुस्त मस्तिष्क में हम भगवान का नाम जप करते, उस सुस्त मस्तिष्क नहीं था, उसमें डरा हुआ था, गले में काल फांस लगा हुआ है,
एकदम विचलित अवस्था में बेटा नारायण, फिर कैसे लिया, फिर चित्कार करते हुए शांत भाव से नहीं, लेकिन यहाँ शिक्षा देते हैं भगवान का नाम में इतने शक्ति, लेकिन किसी तरह से भी भगवान का नाम कोई उच्चारण कर तो उसको भगवान कृपा करते। फिर उसको कौन अजामिल, अजा मतलब क्या माया, मिल मतलब जो संपूर्ण रूप में अपना पत्नी को छोड़ करके वेश्या को साथ में रहता था, उसका हाथ में अमेध कुमेध भजन करता था, मतलब इतने पापी अवस्था में भी अगर प्रभु का नाम लिया तो उसका भी भगवान का नाम तार देते हैं। इसलिए पाप युक्त तो हृदय हरि नाम करते बार बना, अगर कोई बोले भैया हम तो बहुत बड़ा पापी, इतना बड़ा पापी क्या भगवान का नाम, बोले भैया अजामिल जैसे कोई पापी हो नहीं सकता, जगाई माता जैसे पापी कोई है, रोज रोज जब जा करके जमदूत चित्रगुप्त को बोलते थे, चित्रगुप्त को लिखते थे, उनको बड़ा क्रोध आता था, बोले एक दो व्यक्ति इतना कभी पाप कर सकता है, ये भगवान इतने पाप को कितने काल तक भोग करेंगे हैं, लेकिन इतने बड़े पापी, लेकिन जब महाप्रभु का संग मिला, नित्यानंद प्रभु का संग, महाप्रभु की बोले क्या बोला, आर यदि ना करिसी शब्दाय मोह, आज से अगर तुम कोई पाप नहीं करोगे तो सब कुछ मैं ग्रहण करता हूँ, जगाई माधाई बोले आर नाय पाप, जगाई माधाई बोले और नहीं करेंगे प्रभु, और नहीं करेंगे, इतने पापी थे जगाई माधाई, लेकिन हैं, लेकिन क्या हुआ, रोज रोज क्या करते थे, एक एक लाख हरिनाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, एक एक लाख हरिनाम करते थे, हैं, कहते अगर कोई बोले कोई अगर पापी हो भगवान का नाम नहीं कर सकता है, नहीं, भगवान के भजन में हरिनाम में सभी का अधिकार, कहते ए रूप विचार हो कृष्ण कीर्तन नाई, भगवान के कीर्तन में ऐसे विचार भी नहीं, इसलिए किंतु जरा हरिनाम करे पाप हजम कर वो, किंतु जरा हरिनाम करे पाप हजम कर वो, ए रूप कपड़ तारा आश्रय करे तो तारा हरिनाम करते पारवे ना, नाम बोले पाप करवार प्रवृत्ति थकले हरिनाम है ना, अगर कोई व्यक्ति बोले ये सोचे अभी जितना पाप कर लें हैं, हम हरिनाम कर रहे हैं ना, हम हरिनाम कर रहे हैं ना, इसलिए क्या करो, पूरा जितना हो सके पाप कर्म कर लो, हरिनाम करते तो हरिनाम कर ही रहे, बस हरिनाम क्या करेगा, सारे पाप को तो हरिनाम नष्ट कर देगा, सारे पाप को हरिनाम नष्ट कर देगा, शास्त्र कहता है एक कृष्ण नामे जतो पाप हरे, पापी रस साधन है तो पाप करे, एक कृष्ण नाम में इतने शक्ति है, पापी का हिम्मत नहीं उतना पाप कर सकते हैं, इसलिए क्या करो, अभी क्या करो, तो पाप कर्म कर लो, हरिनाम करते रहो, पाप कर्म कर लो, बस बाद में तो हरिनाम छूटा पाप हो जाएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पाप बोले है नाम बोले पाप बुद्धि, ये कभी नहीं करनी चाहिए, ऐसे करोगे तो हरिनाम नहीं होगा है, हरिनाम नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं भगवान का नाम में सभी की अधिकार है। और एक प्रश्न है, सेवा जिनिष्टि की मतलब क्या, सेवा क्या है, हाँ सेवा किसको कहते हैं, इसको ध्यान देखो तो बहुत अच्छी बात बता रहे, सेवा किसको कहते हैं, कहते सेवा उसको कहते हैं हैं, जहाते ठाकुरेर सुख है ताहरे नाम सेवा, सेवा उसको कहते हैं जिसको द्वारा ठाकुर का सुख हो, जिसको द्वारा भगवान की सुख होगा उसको ही सेवा कहते हैं, आर जहाते निजर सुख सुविधा है ताहर नाम हो, अगर कोई ये भावना रख करके करे हरे ये जो काम कर रहे हैं ना इसमें क्या होगा, अपना सुख सुविधा मिलेगा, इसको करने से अपना सुख सुविधा लाभ होगा, इसलिए उसको सेवा नहीं करते हैं, सेवा उसको कहते हैं जो काम करने पर गुरु वैष्णव भगवान की सुख हो, ठाकुर जी की सुख हो, भगवान श्री हरि यही जगत दुई प्रकार हमारे निकट आसे,
कि भगवान हमारे पास में दो रूप में जगत में भगवान आते हैं। बोले दो रूप में, कैसे रूप में? कहते एक अर्चा विग्रह, जैसे ठाकुर जी का हम दर्शन कर रहे, और दूसरा है हरिनाम। कहते एक अर्चा विग्रह और एक हरिनाम, ये दो रूप में भगवान जगत में आते हैं। इसलिए ठाकुर का जो अर्चा विग्रह को है ना, उसको साधारण नहीं समझनी चाहिए। इसलिए महापुरुष क्या कहते हैं, विग्रह न तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। महाप्रभु जो ठाकुर जी को क्या मानते थे, ये विग्रह नहीं, ये साक्षात भगवान। इसलिए हमारे संप्रदाय में तीनों उदाहरण है। लोकनाथ दास गोस्वामी जब राधा विनोद जी को प्रकट किया, वो स्वयं बात करते थे, बोले बड़े दिनों से पानी में पड़ा हुआ था, मेरे को भोजन कराओ। हैं, जब उन्होंने भोजन बनाए, बोले इसमें तुमने चाटनी नहीं बनाया, चाटनी के बगैर कैसे भोजन करेंगे। जब उनको चाटनी बना कर खिलाया, ठाकुर सब कुछ भोजन कर लिए, बोले थोड़ा सुला दो, बड़े दिन से सोया नहीं। तो उनने फूलों की सजिया लगाए, लगा करके उनको ठाकुर को जब शयन करवाए, हैं, जब ठाकुर को शयन करवाए, इतने में ठाकुर जी कहते हैं, अरे नींद नहीं आ रही, थोड़ा पंखा चला दो। तो उनने थोड़ा पंखा चलाया, बोले प्यार को थोड़ा दबा दो, थोड़ा प्यार दबा दो। फिर उन्होंने ठाकुर जी की प्यार दबाया, तो ठाकुर जी चैन से सो गए। साखी गोपाल जगन्नाथ कहाँ से, वृंदावन से चलते चलते कहाँ चले गए, उड़ीसा चले गए। साखी गोपाल चले गए उड़ीसा, तेरे चले गए श्री माधवेंद्रपुरी, हाँ श्रीनाथ जी कहते मेरे शरीर में बड़ा ताप हो रहा है, थोड़ा चंदन लगाओ। खीर चुरा गोपीनाथ वहाँ गए, तो ठाकुर जी उनके लिए खीर चोरी कर लिया, हैं, खीर चोरी कर लिया। मदन मोहन जी बोले बगैर नमक के खिलाते हो, गले को नीचे नहीं उतरता, थोड़ा नमक तो दिया करो। बोले आज नमक बोलोगे तो बोलो कल बोले सब्जी दो, फिर बोलोगे थोड़ा दूध का व्यवस्था हो जाए, बोले थोड़ा राबड़ी का व्यवस्था हो जाए। कहते तुम्हारी पिताजी को पास में 9 लाख गया था, तभी तुम्हारी पेट नहीं भरता था, तुम्हारी पेट नहीं भरता था, इसलिए भैया हम इतना कहाँ से लाएंगे, हमसे नहीं हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जगत में भगवान दो रूप में ठाकुर जी जगत में आते हैं। एक तो जो विग्रह जो ठाकुर जी है, हैं ठाकुर जी, और जो दूसरे रूप में अपना नाम रूप में भगवान जगत में आते हैं। इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम, इसलिए नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नाम्य भगवान, और उनका नाम में कोई फर्क नहीं। इसलिए दो रूप में जगत में भगवान आते हैं। कहते एक अर्चावतार नामावतार प्रति जहाँ दर श्रद्धा है तहाँ दर मंगल है। कहते जीव का मंगल कैसे होगा, बोले जीव का मंगल तभी होगा कि दो चीज में तुम्हारी प्रीति होनी चाहिए। एक में तो ठाकुर जी को प्रति, हाँ ठाकुर जी को श्रद्धा करके उनकी सेवा करनी चाहिए, और दूसरा कैसे, भगवान की नाम के प्रति, हैं। इसलिए सकल साधन श्रेष्ठ यही पंचांग कृष्ण प्रेम उपज जहार अल्प संग। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, अगर ये पांच चीजों में थोड़ी सी अगर श्रद्धा पूर्वक पांच चीजों में कोई एक चीज में अगर कर देना, उसको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। क्या क्या पांच चीजें, नाम संकीर्तन, पहला नंबर है भगवान का नाम संकीर्तन, भागवत, दूसरा चीज है भागवत श्रवण, तीसरा चीज है मथुरावा, चौथा चीज है श्री मूर्ति श्रद्धा से साधु संग, और जो पंचमा चीज है श्री मूर्ति की श्रद्धा पूर्वक सेवा करना। इसलिए जितना साधन में ये पांच जो साधन, ये सर्वश्रेष्ठ साधन, अगर थोड़ी सी भी पांचों में कोई एक चीज अगर कोई श्रद्धा पूर्वक कर ले, उसको भगवत प्राप्ति हो, भगवत प्राप्ति हो जाएगा। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, भगवान का नाम और जो ठाकुर का जो पूजा जिसकी श्रद्धा पूर्वक करते हैं, जरूर उनका मंगल होगा ही। कपड़ तथा किलेश विग्रह सेवा व नाम संकीर्तन है ना, अगर कोई कपट पूर्वक ये काम करते हैं तो उनका कल्याण होना प्राप्त। इसलिए सरल है ले गोरारा आचार बुझिया लगे, हैं। इसलिए जो व्यक्ति सरल व्यक्ति है, तो व्यक्ति महापुरुष का आचार विचार को समझ लेते हैं। जिसके हृदय में कपटता है, कपट किसको कहते हैं,
हम ऊपर से एक दिखा रहे हैं लेकिन अंदर में और कोई चीज को सोच रहे हैं, इसको कपट कहते हैं। इसलिए प्रभुपाद श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं ये कपट व्यक्तियों का कल्याण होना बड़ा कठिन है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इससे तो पशु पक्षी कीड़े मकड़ जीवन में भी, इससे कीड़े मकड़ जीवन अच्छा है, कपटता रही थी, कपट युक्त व्यक्ति का कल्याण होना बड़ा कठिन। ऊपर दिखा रहे हैं एक, लेकिन अंदर में और कोई चीज को हम सोच रहे हैं कि बंसुरी क्यों बजती है। बंसुरी में दो गुण है, एक तो गुण अंदर में पोला है, खाली है। इसलिए भगवान कहते मेरे पास में आओ ना, अपना दिल को खाली करके आओ, एकदम भर करके नहीं। अगर तुम पहले भर करके आओगे तो फिर मैं कैसे भरूंगा। इसलिए कृष्ण जैसे चाहते बंसुरी वैसे बजती, कारण क्या, उसके अंदर में पोला है, खाली है, हैं। और दूसरा क्या है, कृष्ण जैसे चाहते हैं बंसुरी वैसे बजती है। कृष्ण कहते हैं इसलिए तुम्हारी इच्छा है मोर इच्छा मिलाई लो, भगवान की इच्छा में ही अपना इच्छा को मिला देनी चाहिए, अपना कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ठाकुर तुम्हारी जैसे इच्छा है, कहते हैं ठाकुर तुम्हारी जैसे इच्छा है। बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कहते हैं निष्कपट होनी चाहिए। भगवान वो भक्त के वंचना करी आप भक्ति है ना, कहते भगवान और उनका भक्तों कभी हम वंचना नहीं कर सकते। अगर जो सोचे भगवान को हम वंचना करेंगे भक्तों को, इनका कल्याण कठिन है। कहते इनका कभी भक्ति हो ही नहीं सकती। भगवान रे सेवा, वो सेवा अभिनय द्विट पृथक वस्तु। कहते एक है निष्कपट रूप में भगवान की सेवा करना, और एक है कपटता युक्त होकर के भगवान को भक्ति करना, है। कहते जो दोनों है कहते ये पृथक वस्तु। इसलिए कपटता होकर करना और निष्कपट होकर करना, ये दोनों पृथक वस्तु वो एक वस्तु नहीं। कहते भगवानेर श्री मूर्ति री सेवा जहाँ ते सुष्ट संपन्न है तजन अमादि विशेष जत्न करते हैं वे। इसलिए कहते भगवान श्री मूर्ति री सेवा, भगवान की जो मूर्ति का जो सेवा है, हैं, कहते वो अच्छे तरह से करनी चाहिए, उसको जत्न पूर्वक करनी चाहिए। इसलिए हमारे मंदिर में ठाकुर जी है ना, इसलिए कोशिश किया करनी चाहिए जैसे ठाकुर का सेवा ठीक ठीक से हो। इसलिए मेरे जो गुरुदेव कहते थे, हमारे गुरुदेव हमारे मठ में देखना कहीं तो इधर उधर जाता भिक्षा के लिए कोई जाते नहीं। मेरे गुरुदेव कहते थे ठाकुर जी को अगर ठीक ठीक से ठाकुर को सेवा करोगे ना, ठाकुर को पूजा अगर ठीक ठीक से सेवा करोगे ठाकुर को, कहते ठाकुर सब व्यवस्था करते हैं, तुम कहीं जाने का जरूरत नहीं, ठाकुर स्वयं जो भगवान है, जितने अच्छे तरह से करोगे कृष्ण सेवा, लक्ष्मी तो पास में खड़ी है, लक्ष्मी तो खड़ी, राधा रानी लक्ष्मी है वो खड़ी है। अगर कृष्ण सेवा करोगे तो लक्ष्मी देने वाले तो राधा रानी, लक्ष्मी तो लक्ष्मी है ना, अगर कृष्ण सेवा करोगे लक्ष्मी तो व्यवस्था करेगी। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे अच्छे तरह से ठाकुर को अच्छे तरह सेवा पूजा करो, करने से वो सारी व्यवस्था ठाकुर करने वाले, वही ये सब देने दिलाने वाले ठाकुर जी है। इसलिए श्री विग्रह साक्षात भगवान, इसलिए जो ठाकुर जी खड़े हैं उनको साक्षात भगवान माननी चाहिए। ऐ जने जैसे व्यक्ति विग्रह में सेवा करते पारे ना, तो जैसे तैसे व्यक्ति विग्रह का सेवा नहीं कर सकते। इसलिए हमारे जो गुरु जी के मंदिर में ना, सबको मंदिर के अंदर घुसने नहीं देते, सबको मंदिर के अंदर पूजा के लिए सबको अंदर में जाने नहीं देते थे, हैं। जिसकी विशेष श्रद्धा हो, सेवा की भावना देखते थे, तब उसको आदेश देते थे मंदिर में जा करके ठाकुर की सेवा करने के लिए। एक जने जैसे व्यक्ति विग्रह सेवा करते बार ना, वेतन भोगी लोग दिए ठाकुर रे पूजा व रानना सेवा है ना, बुझते बात से क्या बोल रहा है। यहाँ पर कहते वेतन भोगी लोग दिए ठाकुर रे पूजा व रानना दी सेवा है ना, कहते वेतन भोगी मतलब समझ रहे हो, हम पैसा दे करके किसी व्यक्ति को मंदिर का पूजा करवाएंगे, ठाकुर जी को रसोई बनाएंगे, इसको द्वारा भगवान की सेवा नहीं होता है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम स्वयं
जो मैं भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त उपहित अस्नामी प्रजता। कहते अगर कोई प्रजत आत्मन होकर के श्रद्धा युक्त होकर के अगर ये चार चीज में मेरे को कोई एक चीज देता है ना, मैं इसको ग्रहण करता हूँ। पत्ता, पत्रम, पुष्पम, फल, पानी और जल, पानी और फूल। कहते चार चीज में अगर एक चीज को अगर मेरे को भक्ति पूर्वक दे देना, मैं इसको ग्रहण करता हूँ। मैंने भक्ति जैसे सुदामन ठाकुर जी को क्या दिया, चिड़वा दिया। विदुर ने क्या दिया, विदुराज ने केलेगा छिलका दी। हाथी ने ठाकुर के फूल दे दिया। सबर ने भगवान के राम को बेर खिलाया, ठाकुर जी उसको ग्रहण कर लिया। इसलिए कहते हैं पैसा दे करके हैं कोई रसोई बनाएगा तो किस लिए रसोई बना रहे हैं, पैसे के लिए, पैसा उसको मिल रहा है। अगर पैसा उसको नहीं तो रसोई बनाएगा व्यक्ति तो उसको भक्ति कहेंगे, फिर भक्ति नहीं है। पूजा कर रहे हैं पैसा लेकर के, बोले भैया क्यों पूजा करो, चूंकि पैसा मिल रहा है, बोले पैसा दे रहे हो कर रहा है पूजा, अगर नहीं दोगे तो पूजा करेगा, तो उसका भक्ति भक्ति हुआ, भक्ति भक्ति। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं वेतन भोगी लोग दिए ठाकुर रे पूजा व राना दि सेवा है ना, ठाकुर का पूजा ठाकुर जी की रसोई वेतन के द्वारा पैसा के द्वारा नहीं होता है। कहते सदगुरु चरणाश्रित निष्कपट सेवकई श्री विग्रह रूपी भगवान ओ नाम रूपी भगवान सेवा करते पारिवेन पारेन। ठाकुर का सेवा कौन करेगा, ठाकुर का नाम कौन करेगा, वही व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति सद्गुरु चरण में आश्रय ग्रहण करते हुए, जो निष्कपट व्यक्ति जिनका हृदय में कोई कपट नहीं हो, वही सेवक श्री विग्रह की भगवान की और भगवान का नाम को वही सेवा कर सकते हैं। इसलिए कपट व्यक्ति कर नहीं सकते। इसलिए करना ताका नहीं भगवत सेवा है ना, कहते पैसा ले करके भगवान का सेवा नहीं होता है। भगवान पैसा के अधीन नहीं, भगवान केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान केवल प्रेम के ही भूखे हैं, हैं प्रेम के भूखे प्रभु, प्रेम ही सार है और प्रेम से भजन करे तो भव से बड़ा पार। इसलिए ठाकुर जी प्रेम के भूखे, भगवान पैसा के भूखे नहीं हैं। भगवत सेवा प्राण दिए प्रीति सहित तो करता है। भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए, प्रीति प्रेम से हैं, प्रीति करके भगवत की सेवा, प्रीति प्राण दे करके भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसलिए विष्णु वैष्णव सेवाई सर्वोत्कृष्ट। कहते किसकी सेवा, एक तो भक्तों की और भगवान, भक्त और भगवान, इनकी सेवा जगत में सर्वश्रेष्ठ सेवा है। इसलिए महाप्रभु बोले ना दो काम केवल करो, इससे बड़ा पार हो जाएगा। क्या है दो काम, नाम संकीर्तन वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन, दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जन। ये दो काम तो करो, एक तो भक्तों का सेवा करो और एक भगवान की, भक्तों और भगवान इनकी, भगवान के नाम, ये दो काम करो, संसार से उद्धार हो जाएगा। इसलिए एक दृढ़ विश्वास जब दिन ना हो तद दिन पर्यंत हमारे कौन मंगल है बने हैं। इसलिए इसलिए कहते दो वस्तु के प्रति हमारी प्रीति होनी चाहिए। यही जन्य सर्वप्रथम विशेष श्रद्धार सहित विग्रह सेवा करा कर्तव्य। इसलिए हमारे मथुरा में भी जब महाराज क्या करते थे, हमारे भक्त नारायण गोसाई महाराज जब कोई व्यक्ति आते थे बोलते तो विग्रह सेवा करो, वो कारण क्या, अरे जो विग्रह सेवा करेगा ना उसका नियम एकदम तो पक्का हो जाएगा, क्योंकि सब सभी उठने से पहले उसको उठना पड़ेगा, स्नान करके ठाकुर जगह ना पड़ेगा। पहले पहले तो जब कोई पुजारी होता है ना उसको रात भर से नींद नहीं आती, टाइम नहीं तो हो गया मंगल आरती करने का, तो टाइम नहीं हो गया, सबसे पहले उठ करके आरती में जाना पड़ेगा, हैं आरती में जाना पड़ेगा। इसलिए और तिलक आनी उसको आचमन बोले पूरा ठाकुर का अंदर में जाने के लिए नया वस्त्र, सही वस्त्र पहन करके जाना, ये झूठा है ये चीज़ को ध्यान देना एकदम कर देते। इसलिए बोलते थे उसको, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, हैं प्रभुपाद कह सर्वप्रथम श्रद्धा से विग्रह सेवा का कर्तव्य, श्रद्धा पूर्वक श्री विग्रह की सेवा करनी चाहिए, तभी श्री विग्रह सेवा वो नाम सेवा भगवान सुखेर जन्य करते है। इसलिए जो कुछ करेंगे
ठाकुर जी को कैसे प्रसन्न कर पाए इसलिए करना चाहिए। अन्य कोनो उद्देश्य थकले सेवा हवे ना। अगर हमारे मन में और कोई अगर उद्देश्य हो ठाकुर को सेवा पूजा करें, लेकिन दूसरी लालसा से हम कर रहे हैं, है? हमारे अंदर में दूसरे लालसा से भैया ठाकुर की सेवा नहीं, भगवान की सेवा नहीं होगी ना। इसलिए मथुरा में एक व्यक्ति ने साधु वेश ले लिया, लेकर के सोचा, उसने क्या सोचा, मंदिर में जाएंगे सेवा करेंगे, बस कुछ दिन सेवा करेंगे सब कुछ चोरी करके ले जाएंगे। ठाकुर जी का आकर देखा, ठाकुर को सोने के मुकुट पहना हुआ, बोले बाबा ठाकुर जी सोने के मुकुट पहना है, अगर किसी तरह से साधु बन करके अगर अंदर में घुस जाए ना तो मैं तो माला ही माला हो जाऊँगा। लेकिन वो सोना ही था ही नहीं, वो था पीतल, पीतल के ऊपर उसके ऊपर में जो रंग था सोने का रंग था, है वो रंग था, वो था पीतल, जो पीतल था उसने आ गया आकर के, पहले तो बड़ी उन्होंने हाफ हाफ दिखा करके कहते ना, जब कोई ज़्यादा कोई काम करता है ना समझने का कुछ गड़बड़ी है, हाँ अति भक्ति चोर लक्षण, ज़्यादा जो भक्ति हो चोर का लक्षण है। वो बड़े भाव सेवा की भाव दिखा दिखा करके उसने साधु बन गया, और साधु बन करके बोले हम ठाकुर का सेवा करना चाहते हैं, ठाकुर का सेवा मेरे को बहुत प्यारा लगता है। तब मथुरा बोले ठीक है ठाकुर को सेवा करो, पुजारी के साथ में तुम भी सेवा करो, उनको मदद करो। लेकिन करते करते उसने बस उसने क्या किया, बस रातारात उसको ठाकुर को सारे मुकुट लेकर चला गया, वो तो जहाँ सोने का मुकुट। लेकिन जब लेकर किसी बढ़िया के पास में गए, बोले ये तो सोने ही नहीं है पीतल है, वो तो पीतल है ये तो सोना ही नहीं। फिर उसके बाद उसका पत्र मंदिर में आया, कहते हमें भी ठग लिया आपने, बोले हैं साधु बना करके हम इतना दिन सेवा किया हमें भी ठग लिया। इसलिए अगर कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है लेकिन उसके अंदर में कोई स्वार्थ छुपा हुआ है, हम इसलिए कर रहे हैं सेवा हमको ये माल मिलेगा, कहते ये कपट है, ये कपट, वो व्यक्ति का कभी मंगल नहीं, ठाकुर कभी उसका मंगल नहीं कर सकते। इसलिए जो सेवा करनी चाहिए उसके अंदर में निष्कपटता होनी चाहिए, क्योंकि हम दुनिया को ठग सकते लेकिन ठाकुर को तो ठग नहीं सकते हैं, वो तो सब जानते हैं तुम किस लिए क्यों क्या कर रहे हो, तो सब बैठे बैठे कर देख रहे हैं। और सबसे बड़े ठग कृष्ण है, वो टेढ़े है ना, कहते अगर तू सीधा बनोगे तो मैं सीधा बन जाऊँगा, और तू टेढ़े बनोगे तो मैं पहले से ही टेढ़ा हूँ, पहले से ही मैं टेढ़ा हूँ। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कभी भी ठगने का उद्देश्य हमारे अंदर में नहीं रहनी चाहिए, ऊपर एक भाव अंदर में दूसरे भाव बना कर बैठे हुए, कहते ये व्यक्ति का ठाकुर को भी कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए अन्य कोई उद्देश्य करने पर सेवा नहीं होता है, उसको सेवा नहीं कहते हैं। इसलिए ताई अमरा सकले निकट प्रार्थना जानते थी, हे बंधु वर्ग अपनारा सदाचार संपन्न हैया भगवान ने सुखर जन्य भगवत सेवा करूँ। इसलिए प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं सभी के चरण में हम प्रार्थना करते हैं, हे बंधु वर्ग आप लोग सदाचार संपन्न होकर के जो कुछ कर किसके लिए करो, ठाकुर जी के सुख के लिए, गुरु वैष्णव की सुख के लिए पहले क्या करो। इसलिए कहते पहले तो गुरु सेवा के लिए करनी चाहिए, है क्योंकि हम डायरेक्ट रूप में ठाकुर को तो हमें दिखते नहीं, अगर हमारी क्रिया से अगर गुरुदेव संतुष्ट होते तब तो समझनी चाहिए ठाकुर भी हमारी सेवा से, ठाकुर भी संतुष्ट हो रहे हैं। इसलिए कपटता को हृदय से त्याग देनी चाहिए। इसलिए भगवत सेवा जिन्हें कर मंगल रे बाह्य चेहरा गुली मंगल रे पथ न, यहाँ पर प्रभुपाद अच्छी बात कह रहे हैं, अगर हम बाहर में क्या दिखा रहे हैं, अलग रूप दिखा रहे हैं, बाहर में हम अलग रूप दिखा रहे हैं लेकिन अंदर में कोई दूसरी चीज बैठा हुआ। इसलिए प्रभुपाद मंगल रे बाह्य चेहरा गुली, जो बाहर जो चेहरा एक दिखा रहे हैं एक अलग चेहरा लेकिन अंदर में और कोई अलग है, तो उसका मंगल कभी हो ही नहीं सकता है, ये मंगल का पथ नहीं। कपड़ता करिया यात्रा दलेर कृत्रिम नारद मुनि साजिया लाभ नाई, कहते कपड़ता करके ऊपर में जैसे नारद मुनि ऊपर से सज गए, लेकिन ऊपर तो सज गए नारद, लेकिन तुम थोड़ी नारद हो, लेकिन वो तो कपट है ना, हैं इसलिए ऊपर से नारद जैसे बन करके हैं करके कपड़ता यात्रा दल कृत्रिम नारद मुनि साजिया लाभ नाई, इसलिए ऊपर से कपड़ता रूप धारण करते हुए
जैसे नारद का जैसे चेहरा को ले ले, कहते हैं जैसे वो चेहरा को लेने जैसे कल्याण नहीं है, कहते उस तरह हम भी ऐसे कपटता रूप धारण करके हमारे कोई लाभ नहीं हो सकता। अपनारा सत्य सत्य भगवत सुखार्थ अर्चन कीर्तन करून ताहले मंगल हईवे। इसलिए प्रभुपाद कहते आप लोग क्या करो, वास्तव रूप में सत्य सत्य मतलब सत्य सचमुच से ही भगवत सुख के लिए उनका अर्चन कीर्तन करो, इसी से ही तुम्हारी मंगल है, इसी से ही तुम्हारी मंगल होगा। इसलिए हमें सारे कपड़ता को छोड़ करके बाहर भीतर कहते ना अंतर बाहर अंतर बाहर सम व्यवहार अमानी मान। इसलिए अंतर जैसे हमें बाहर भी वैसे रहना पड़ेगा, तभी हमारी कल्याण हो सकता है, नहीं तो हमारी कल्याण होगा नहीं। निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। वंशाग्रभ कृपा सिंधु भगवत पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे और ब्रह्मानंदे।